अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको आलू के पराठा बनाने की रेसिपी देती हूँ, जो कि हमसे फरमाइश की गई थी कि प्लीज़ हमें आलू के पराठे बनाना सिखा दें। बहुत आसान है ये बनाना। मैंने सबसे पहले यहाँ पे दो बड़े बड़े आलू लिए थे और उसके मैंने माइक्रोवेव में 8 to 10 मिनट्स के लिए मैंने उसको अंदर रखा था और कुक कर लिया था। आप देखें कि इस तरह से ये सॉफ्ट हो गया और फिर आप इसको मैश कर लीजिएगा बाद में उसके छिलके उतार के। तो जो जो मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो मेरे पास है कोरिएंडर, बहुत बारीक काटिएगा क्योंकि जब आप पराठे बनाने लगेंगी तो अगर इसके मोटे मोटे पीसीस काटेंगी तो आपका जो पराठा है वो फटने का खदशा होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 से 3 चिली ली है, ग्रीन चिली, आप अपने मर्जी से लीजिएगा जितना आप स्पाइस डालना चाहती हैं इसके अंदर। और फिर मसालों में मैंने लिया है जीरा है 1/4 टीस्पून और ये क्रश चिली मैंने ली है ये 1/4 टीस्पून है, ये अजवाइन है ये भी 1/4 टीस्पून है और ये मेरे पास हल्दी है जो कि ये आलू को कलर देने के लिए इसमें बहुत अच्छी रहती है, ये भी 1/4 टीस्पून है। तो मैं अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद फिर आपने ये करना है कि जो आपने अपने आटे की डो रेडी की है पराठा बनाने के लिए, जब आप उसको भूनने लगे तो उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। वो रीज़न ये है कि सॉल्ट ऐड करने से ये होगा कि पराठे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप स्ट्रेट हुए बिल्कुल मत पराठे में डालिएगा, 5-10 मिनट के लिए इसको वेट कर लीजिएगा और फिर पराठे बनाने शुरू कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ये छोटे छोटे से पेड़े पहले से बना के रख लिए हैं, तो आपने भी यही करना है। तो अब हम इसकी ये बनाएंगे, छोटी सी एक रोटी बेल लेंगे ताकि हमने ये जो आलू का मिक्सचर तैयार किया है वो इसके अंदर फिल करके तो अपना पराठा रेडी करें। सबसे पहले हमने दोनों को इस तरह से बेल लेना है। आप एक साइड पे रख दे बना के, दूसरी भी इसी तरह। हमने दोनों को ये देखे इस तरह से बेल के रख लिया ताकि एक हम ऊपर रखेंगे और एक नीचे रखेंगे पराठे के। तो ये जो मिक्सचर है हमने जितना आपने डालना है इसके अंदर अपने हिसाब से डालिएगा, इस तरह करके इसको थोड़ा ज्यादा आलू के जो पराठा है वो अच्छा लगता है कि ज्यादा हो इसके अंदर। बस आपने इसको यूं रख के, और हमेशा पराठा बनाने के लिए फ्रेश आटा गूंदिए, उससे ये है कि आपके पराठे जो हैं वो बहुत मजे के बनेंगे। कोनों तक मत कीजिएगा क्योंकि कोनों में जब हम इसको जोड़ने लगेंगे तो फिर आपका ये होगा कि पराठा खुलने का खतरा होगा, ठीक है। बस हमने इसी के साइज का इसको करके तो इसको आप कर लें, अगर छोटा भी हो तो पकड़ के ऊपर से यूं खींच के आपने इसकी साइडें बंद करनी है। क्योंकि फ्रेश आटे का जो पराठा है वो आप आसानी से बना सकती हैं और थोड़ा सा सख्त गूंगेगा। ये देखिए नीचे से बिल्कुल स्टिक नहीं हुआ। अब हम ये करेंगे कि थोड़ा सा आटा डाल के तो हाथों से पहले प्रेस करना है, बेलने से एकदम से आपने नहीं करना, क्योंकि अगर बेलन से करेंगी तो इसका जो एक साइड पे सारा हो जाएगा इसके अंदर जो हमने फिलिंग की है। इस तरह से दूसरी साइड से भी पकड़ के, दोनों साइडों से हो गया। अब हम बेलन से इसको फैलाएंगे, चाहे हम जितना मर्जी इसको फैला लें ये फटेगा नहीं। बस अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। तवा मैंने पहले से गरम करके रख लिया था, तो मैंने इसको डाल के जब आप इसकी ये साइड चेंज करके इसके ऊपर आपने इस तरह चम्मच से लगा के चम्मच की मदद से आपने फैलाना है इसको, ठीक है। तो बस आप इसको चेंज कर लें। तो
एक साइड से ये पराठा हो जाता है रेडी, ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे भी फिर आपने ऑयल थोड़ा सा डाल के तो उसी तरह सेम इसको खिला ले, और फिर दूसरी साइड से भी आप सेम इसी तरह इसको रेड कर ले। देखे इस तरह से आपका ये पराठा होना चाहिए। अच्छा बस ये हमारा, ये देखे दोनों साइड से ये पराठा रेडी हो गया है। तो हमने ये करना है, प्लेट में आप किचन टॉवल रख के तो फिर आपने इसको रखिएगा ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा जो है ये टिश्यू के ऊपर लग जाए। तो नाज़िम ये देखिए, और फिर आप इसको ये दही के रायते के साथ आपने इसको खाना है। जो लोग पसंद करते हैं दही का रायता वो साथ दही इसके अंदर, दही के अंदर सिर्फ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने जीरा डाल के तो इसको मिक्स कर लीजिएगा, और बस अब आपका पराठा रेडी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आज की मेरी ये आलू के पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई।